एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित सेदपुर गंगू गांव पहुंचा। लगभग 4200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान मीनाक्षी द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 1250 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 265 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 50 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 47 हैंडपंप लगे हुए हैं। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व 9 सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 4 सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए 5 नाली, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 125 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवास का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान पति दलजीत सिंह, ग्राम पंचायत सैदपुर गंगू। मैं सबसे पहले तो एबीपीएस न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसका गांव की तरफ रुख किया। एक पहला एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जिसने गांव की तरफ रुख किया है, गांव के विकास की तरफ ध्यान दिया है। और उसके साथ साथ मैं चैनल के एमडी हमारे जितेंद्र चौधरी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन के, उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ हमने विकास कार्यों में अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी धनराशि हमारे यहाँ पे आई है उसे सभी को विकास कार्यों में लगाया है। फिर भी यहाँ पे बहुत सारे कार्य अभी ऐसे रह गए हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमें उतना बजट हमारी ग्राम पंचायत में नहीं मिल पा रहा है। उसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से चैनल के माध्यम से, एबीपीएस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि उसमें यहाँ पे धनराशि बढ़ाई जाए और हमारे विकास कार्य जो बाधित हैं उन्हें पूरा किया जाए। और सभी प्रधान साथियों से मेरा निवेदन है कि इसे YouTube पर इसे सर्च करके इस चैनल को, एबीपीएस न्यूज को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें जिससे कि इसे पूरा देश देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विकास कार्य हो सकें। अगर हम इसमें पिछड़े रह गए तो आगे हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। एक यही एकमात्र हमारा माध्यम है जिससे कि हम अपनी बात आगे ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, देशवासियों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ना तो हम आज भी वैसे के वैसे ही पिछड़े रह जाएंगे, अगर अभी भी हमसे चूक हो गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे।